हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एग्लो इंग्लिश स्कूल टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यूर नेक्स्ट पॉइंट इज़ द अडेप्टन इन एनिमल ऑफ स्नोवी रीजन तो ये जो स्नोवी रीजन है बच्चों उनमें अडेप्टन कैसा है जो भी एनिमल्स रहते हैं उनके लिए अनुकूलन कैसा है ये हम आज देखने वाले हैं तो हमने जो स्नोवी रीजन में जो भी प्लांट्स हैं उनमें अडेप्टन कैसा रहता है ये हमने सीखा था अभी प्लांट के बारे में डिस्कस कर उससे पहले यहाँ देखो हमें दो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं एनिमल्स हैं कि नहीं यहाँ देखो इनका जो बॉडी शेप है हमें अलग दिखाई दे रहा है तो चलो आज उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आज हम कलेक्ट कर ही लेते हैं अक्सर हमने ये प्लांट को तो देखा ही है इंटरनेट पे ओके फ्रॉम द इंटरनेट डाउनलोड इमेज ऑफ एनिमल्स याक लाइक like कौन कौन से याक पोलर बियर अस्वल और याक को हमने अक्सर देखा है जो स्नोवी रीजन में जहाँ बर्फ गिरता है वहाँ तो ये एनिमल्स हमें दिखाई देते वाइट बॉ फस सिल्वर फॉक्स माउंटेन गॉट देन सीबेरियन हस्की डॉग एंड स्नो लियो पार्ट ये जो भी एनिमल्स हैं वो स्नोवी रिजन में रहते ओके कंपेयर दिस इमेज विथ दो ऑफ सिमिलर एनिमल्स फ्रॉम द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ओके तो हमें इनसे कंपेयर करना और वाइट और सिल्वर बॉडी कलर लॉन्ग थिक हेयर उनके जो हेयर्स हैं वो लॉन्ग थिक हेयर रहते बॉडी जो है वो सिल्वर बॉडी कलर रहता है ऑन द स्कीन आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल ऑफ स्नोवी रीजन यहाँ की सबसे फेमस और सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक क्या है उनके जो हेयर्स है वो लॉन्ग है ठीक है ओके स्की आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है और इनकी जो बॉडी भी है वो सिल्वर सिल्वर बॉली कलर है ओके okay? ये समझ में आ गया ये रहा हमें यहाँ बियर का और जो एक है उनका यहाँ हमें पिक्चर दिए हैं ओके तो आप भी पॉसिबल हो तो आप भी क्या करो इंटरनेट से या कहाँ से भी डाउनलोड करके उनके पिक्चर आपके जो अडेप्टशन इन आ, स्नोवी रीजन है एक लेबल लगा के उसके नीचे लगा दो पर उसके लिए बच्चों आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है अभी कोरोना के कारण आपको घर में ही सेफ रहना है ओके okay? और स्टे सेफ स्टे होम राइट तो अगर पॉसिबल हो तो करो मुझे पता है कि आपको मैंने अगर पूछा कि अडाप्टेशन इन स्नोवी रीजन ऐसे कौन से एनिमल है आप मुझे फटाफट फटाफट नाम बता दोगे राइट क्योंकि मैं जो भी पढ़ाती हूँ आप अच्छी तरह से सुनते हो और बाद में होमवर्क भी अच्छी तरह करते हो और पढ़ते भी खूब हो राइट ना तो मुझे बताया कि आपको ये सब याद होगा क्योंकि आप आज फिर से ये रिपीट करने वाले हैं पढ़ने वाले है। तो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं अडाप्टन इन एरियल एनिमल जो एरियल एनिमल है उनमें अडेप्टन कैसा है चलो स्टार्ट करें ओके कैन यू टेल आप बता सकते हो वॉट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द व्हीकल जो भी गाड़ी है ऑन द रोड एंड द एरोप्लेन जो एरोप्लेन है और जो व्हीकल है ऑन द रोड ये दोनों जब चल रोड पर जो व्हीकल चलती है तो इनमें कौन से मेन डिफरेंस है देखो बच्चों हमें अक्सर देखा है कि जो रोड पर चलती है उसे टायर रहते हैं और जो एरोप्लेन है वो हवा में से हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर से आ, क्या एरोप्लेन जाता है तो हमने उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस देखे बच्चों राइट ना उसका शेप अलग है राइट तो इसके बारे में आप भी मुझे और एक दो क्या करोगे डिफरेंस बताओगे बताओगे ना ओके तो चलो आगे बता दूँ राइट ओके द स्पाइंडल शेप ऑफ बॉडी ऑफ बर्ड अल्सो मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ ईयर फ्लाइंग ये भी जो कौन से भी एनिमल्स हैं जो हवा में जाते हैं तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण है द स्पाइंडल शेप बॉडी है ऑफ बर्ड ऐसे जो भी बर्ड्स हैं उनकी ऐसी बॉडी है ऑल्सो मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर वाइट फ्लाइंग यहाँ देखो हमें टोपरिंग शेल्डर बॉडी दिखाई दे रही है ये उनके विंग्स है राइट ना विथ होलो बोन्स उनके जो भी बोन्स है वो होलो रहते हैं और बॉडी कवरिंग द फ्लिडर्स एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ द फोर लेग्स इन टू विंग्स एंड बॉडी इज लाइट इन वेट उनका जो वेट है वो बहुत ही कम रहता है एंड अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग फ्लाइंग करने के लिए उनकी बॉडी का शेप इस तरह रहता है और बॉडी ऑफ इंसेक्ट ऑल्सो इज लाइट इन वेट जो भी इंसेक्ट है उनकी भी बॉडी बहुत ही क्या लाइट वेट की रहती है एंड द टॉपर्स ऑफ बॉडी एट बॉडी एंड्स उनके जो टॉपर्स है बॉडी एंड में रहते दे कैन फ्लाई विद द टू पेयर्स ऑफ विंग्स एंड ऑल्सो वर्क स्टिक्स लाइक लेग्स ओके बैट कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ एट द थिंग ऑफ द स्किन बिटवीन देर फोर लेग्स एंड दिन लेग्स ओके तो यह है एडाप्टन इन एरियल एनिमल हमने एरियल एनिमल में बहुत देखा है कि उनका वेट कभी भी ज़्यादा नहीं रहता देन वो जब हवा में हमें फ्लोट हवा में जब दिखते हैं जाते हुए तो उनके पैर अक्सर वो कह देखो ऐसे करके रखते हैं ओके तो इसलिए उन्होंने यहाँ बताया ऑब्जर्व द वेरियस बर्ड एंड द इंसेक्ट इन योर एरियाज आपको एरिया में जितने भी आपको बर्ड्स या आ, क्या देखेंगे दिखाने को देंगे इंसेक्ट तो उनका आप ऑब्जर्व करके ये सब आपको उनमें भी दिखाई देता है कि नहीं देख लीजिएगा ओके तो हमें यहाँ क्लॉज दिखाई दे रहा है राइट तो इसके बारे में हमने इंसेक्ट और बर्ड के बारे में यहाँ क्या किया आ, उनमें अडेप्टन कैसा है ये देखा देन एडेप्टेशन इन रिप्टाइल्स, ओके तो अब रिप्टाइल्स में हमें यहाँ देखो ये तीनों दी है ये छिपकली दिखाई दे स्नेक है ओके okay? और यहाँ टोरट दिखाई दे रहा है okay. distance, earthworm, earthworm आम, ना ओके ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउ स्नेक एंड अर्थवर्म अर्थवर्म हमने देखा है ना अक्सर क्रिप ओके विच ऑर्गन्स डू दे यूज फॉर द क्रिपिंग वो जो जब क्रीपिंग करते हैं तो कौन सा ऑर्गन का यूज करते हैं अक्सर ओके आर देयर एनी स्पेशल चेंजेस फॉर दैट पर्पज ओके नोट एनी सच चेंजेस एनिमल लाइक हाउस लिजार्ट गार्डन लिजार्ट देन क्रोकोडाइल आर यूज देअर मसल्स फॉर द क्रीपिंग ओके

जो भी रेप्टाइल्स हैं उनमें से, से अडेप्टन बताएँ अभी ये जो है हमारे लिए उनका दूर से ही ऑब्जर्वेशन करना चाहिए ओके उनके बहुत ज़्यादा पास नहीं जाते क्योंकि वह हमारे लिए धोखा रहता है उनसे ओके वो काट भी सकते हैं ओके उनको काटने के लिए वो क्या करते मुँह का इस्तेमाल करते वो अक्सर ज़मीन पर या जो बॉरस है भीतर जमीन के भीतर वो करके उनमें अक्सर छिपे रहते ओके तो अगर आपको कहा भी दिखते हैं तो उनके पास नहीं जाते ओके वो जो जब काटते तो मुँह मुँह का यूज करते ओके वो कोई ऐसे भी सब उनके हमारे लिए घातक नहीं रहते धोखा नहीं रहता है पर उनसे हमें क्या करना चाहिए हमारा बचाव करना चाहिए ओके तो ये हुआ अडाप्टेशन इन रेप्टाइल्स नाउ बच्चों अभी हमें नेक्स्ट देखना है अडप्टेशन इन जो भी फूड इन एनिमल्स से उनमें अडेप्टन कैसा है तो ये जो फूड इन एनिमल्स है देखो यहाँ बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है राइट यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं तो ये सब जो है ना यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव पिक्चर है ये फूड इन एनिमल्स से तो इनमें क्या कहा है बच्चों We can categorize animal as Herbivirus and the cornivirus. Okay, these animals are and Special adaptation are seen in each category for make the process of feeding easy. Okay, we will discuss this in greater detail in chapter of nutrition. वॉच द प्रोग्राम प्रोग्राम्स चैनल लाइक नेशनल जियोग्राफी हम अक्सर देखते हैं जो नेशनल जियोग्राफी है उसमर, आ, उस उसमें उस पर अक्सर ये जो फूड इन एनिमल्स है उनके बारे में बहुत सारे एनिमल्स देन ये जो अडेप्टन हमने देखा अडेप्टशन प्लान का है इसके बारे में अक्सर इंफॉर्मेशन बताई जाती है वाइल्ड डिस्कवरी डिस्कवरी चैनल पर भी हमें अक्सर ये सब इंफॉर्मेशन मिलती रहती है

इनको ये जो है वी कैन कैटेगराइज द एनिमल एज दर्बी वायरस और कॉरोनिया वायरस ओके तो बच्चों यहाँ हमें कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट फ्रॉम यूर ओन ऑब्जर्वेशन आपके खुद के ऑब्जर्वेशन से हमें ये जो भी यहाँ टेबल दिखाई दे रहा है यानी कि चार्ट भी कह सकते हो आप चार्ट दिखाई दे रहा है ना उसे आपको क्या करना है कंप्लीट करना है ओके okay? यहाँ है अडाप्टेशन एनिमल एंड यूज ऑफ एडेप्टशन तो देखो हमें पहले शार्प टूथ शार्प टूथ ऐसे हमने देखा है अभी लायन है टाइगर है टू टीयर द फ्लैश ओके नाउ लॉन्ग एंड पॉइंटेड बेग्स जो किसके हैं उसका एनिमल का नाम लिखो शॉर्ट बिग किसके हैं उसका और यूज ऑफ एडेप्टन लिखो लॉन्ग एंड सिली टोंग किसके हैं उसके लॉन्ग नेक किसकी है उसका यूज ऑफ एडेप्टन आपको यहाँ लिखना है चलेगा ओके okay. आप लिख सकते हो मुझे पता अडेप्टन फॉर ब्लीडिंग विद देयर सराउंड ब्लेंडिंग विद देयर सराउंड वी कैनॉट इजीली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाई लिजर्ट एंड ग्रास हॉपर्स दे गेट Camphlets and the grasses part of the plant like stem leaves flower etc that are because their colors blend with the those of our their surrounding jo butterfly butterfly cannot easily spot okay they grass paper they get the camphlages and grasses part of the like they stem leaves flower etc that are because the blend with those they are surrounding change that take the place in various organ and life process in organism as uh, it which changes same which uh, changes in over various organ organs okay life process of organ enable them blue the feed reduces the perpetual themselves and the protect themselves from their enemies ऑफ़ द स्पेसिफिक सराउंडिंग डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटैट उनके जो हैबी हैबिटैट है उन पर डिपेंड है एंड इट्स जियोग्राफिकल कंडीशनर आर कॉल्ड द अडाप्टेशन ये जो जियोग्राफिकल कंडिश्नर है उसे अडेप्टन कहा जाता है ऑलवेज रिमेंबर आपको हमेशा याद रखना है अडेप्टशन इज नॉट सडन प्रोसेस ये को, कोई जल्दी से होने वाली सडन प्रोसेस नहीं इट इज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस ये चलती ही रहती है ओके डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड द अपेरेंस ऑफ द प्रेजेंट डे एनिमल्स एंड एनिमल्स ऑफ थाउजेंड ऑफ यंस ऑफ द प्रेजेंट डे जो है इनमें यह लगातार चलता ही रहता है दैट ऑकर अकॉर्डिंग टू प्रिवेंटली कंडीशन इट इज़ अवर ड्यूटी टू कंजर्व दिस डाइवर्सि इसलिए हमें ये जो भी डाइवर्सिटी है इसका हमें कंजर्व करना चाहिए ओके उसका हमें जतन करना चाहिए ये जो वर्ड है वो बहुत अच्छा क्या है ये बहुत अच्छी डाइवर्सिटी है इसका संगोपन हमें करना चाहिए ओके ये कोलैप्स होने नहीं देनी चाहिए ओके क्योंकि ये इसमें से कोई एक का भी थोड़ा भी घटक है या प्रमाण है वो अगर कम उनका जो समतोल है अगर बिगड़ जाता है तो उसका जो भी परिणाम है वो जो लिविंग थिंग्स है उसे भोगना पड़ता है इसके लिए हमें ये जो डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना चाहिए ओके बच्चों थैंक यू आज के लिए इतना काफ़ी है नाउ नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू नेक्स्ट पॉइंट ओके हिंदी चैप्टर थैंक यू